जो बाइक की नंबर प्लेट होती है ये कितने की बनती है? मैंने आज तक बनवाई नहीं है। आज तक सुहेल भाई ने नंबर प्लेट नहीं बनवाई है। बिल्कुल, क्योंकि कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। जो गाड़ी नंबर प्लेट के बगैर वाली है उस गाड़ी को रोकना चाहिए, उसको चालान करना चाहिए। आप कितनी रोकते हैं सुबह से शाम तक? नहीं रोकते हैं इतनी हम। ऐसा ही होता है तो रोकते हैं, ऐसा ही नहीं होता तो नहीं रोकते। जाने दो। अब यही 50% बाइक जो है बगैर नंबर प्लेट के चल रही है, इसकी कोई बुनियादी वजह बताएं? बिल्कुल, इसकी बुनियादी वजह लोगों को जो है ना वो दिलचस्पी नहीं है चीज पर, और एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो उसकी भी थोड़ी है कि वो यानी कि सख्ती से एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमें ऊपर से जो है ना बंद नहीं कर सकते उनकी गाड़ियां, पाबंद नहीं, बंद जो है ना हमें वो अथॉरिटी नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देखें ये नंबर प्लेट गाड़ी की। सर एसएसपी साहब बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं हैदराबाद में, आपकी तैनाती को अभी 2 महीने हुए लेकिन 2 महीने में आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। यौमे आशूरा पे आपने पूरा अमन तरीके से हैदराबाद शहर में बहुत अच्छा सा आपने एक पुलिस का जो है मिसाली कारनामा पेश किया है। ये मानते हो ट्रैफिक वाले की बाइक है ये वाली? नहीं, ट्रैफिक बाइक कार आगे चले गए, उनकी जॉब आगे वो गोल बिल्डिंग चौक पर गए। ये बाइक ही अंदर गए हुए कौन ये सामने गए भाई पकोड़े वाले के यहाँ? नहीं करो यार, सीरियस बता रहे हैं हम आपको। अच्छा जी जी, नहीं हम लोग आते हैं खाली बैठते हैं थोड़ी 5 मिनट। ऐसा ये बताओ कि ये बाइक आपकी नहीं है? नहीं है। अच्छा मैं अभी इसको उठवा देता। ठीक है ना मैं इसको अभी उठवाता हूँ। आपकी नहीं है ना? नहीं मेरी नहीं है। आपके बंदे की भी नहीं? नहीं, बंदा गया आगे गोल बिल्डिंग जिसकी गाड़ी है वो उसकी गाड़ी थी, वो आगे चला गया ट्रैफिक। अब आप देखें ये हमारा कैमरामैन दिखाएगा, ये जितनी भी गाड़ियां हैं बगैर नंबर प्लेट की हैं आप देख सकते हैं वो सारी बगैर नंबर प्लेट की हैं। ये हमारा कैमरामैन दिखाएगा आपको, ये देखें ये सवालिया निशान है यहाँ के ट्रैफिक पुलिस के लिए और हमारी सिंध पुलिस के लिए। आज हम हैं एसएसपी ऑफिस हैदराबाद में, साजिद अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी हैं माशाल्लाह से। अमजद शेख साहब के बाद ये आए हैं, अभी हम बात करेंगे हैदराबाद की मौजूदा सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका और आपके फोटोग्राफर और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इतला मौसूल होती रहती है कि हैदराबाद शहर में, कराची तो बहुत बड़ा शहर है, हैदराबाद शहर में अक्सर सर हमें ये इतला मौसूल होती है कि यहाँ जो बाइक्स हैं वो 50% बगैर नंबर प्लेट के चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सर इस पर एक नज़र सानी आप आए हैं, आपकी तैनाती हैदराबाद में अमल में आई है, मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप इस पर अमल करेंगे और आप ये भी बताएंगे कि DIGP पीर मोहम्मद शाह साहब का आपके साथ क्या हिदायत है? मुझे देखिए DIG साहब आपको पता है हमारे बड़े वाइब्रेंट बड़े प्रोफेशनल DIG साहब हैं और उनकी हेल्प रहती है और उनकी गाइडेंस में ही हम काम कर रहे हैं और हर चीज़ में वो हमें गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं और वो एक बड़े आइडियल पुलिस ऑफिसर हैं। जहाँ तक ये आपने बात कही है इस पे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई अभी तक क्रैक डाउन नहीं करवाया है मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के बगैर, दो कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हैदराबाद में। तो इंशाल्लाह ताला आपकी इस तजवीज़ से मैं एग्री करते हुए विद इन 2-3 डेज ये हम एक मुहिम चलाएंगे एक वीक तक इंशाल्लाह ताला कि हम उसको जितने भी बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल्स होंगी या अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स हैं उन सब के ऊपर हम क्रैक डाउन करें और कोई बंदा बगैर रजिस्ट्रेशन के, ना सिर्फ ये कि रजिस्ट्रेशन होती है तो तभी नंबर प्लेट लगती है, तो बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई बंदा यहाँ मोटरसाइकिल ना चलाए उनको हम चलान भी करेंगे, फ़ाइन भी करेंगे और सख्त एक्शन लेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया।